नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कल छात्र सड़क पर थे, आज दिन भर बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था। इसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जिम्मेदार हैं, और ये भी कहा कि अगर बंगाल में आग लगती है तो आग उड़ीसा में भी लगेगी, बिहार में भी लगेगी, दिल्ली में भी लगेगी, सब उन्होंने गिना दिया। साथ ही कड़े कानून के प्रावधान की बात कही है कि हम नया कानून लेकर आएंगे, 10 दिन में सजा का प्रावधान, फांसी का प्रावधान, तमाम बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल जब छात्र सड़क पर उतरे थे, इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगा दिए गए उनको रोकने के लिए, उनसे किस बात का डर था? ममता बनर्जी को, वो भी तो इंसाफ की मांग कर रहे थे। या केवल इस तरह के बयान देकर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच रही हैं, क्योंकि विपक्ष का किस तरीके का सेलेक्टिव अप्रोच है, बीजेपी को छोड़ दें, बीजेपी बंगाल में विपक्ष में है, दिल्ली में जो तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो सेलेक्टिव अप्रोच ममता बनर्जी की सरकार के प्रति दिख रहा है इस पूरे मामले पर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। औपचारिकतावश विरोध जरूर किया गया, लेकिन सरकार को लेकर कुछ नहीं कहा गया, या ममता बनर्जी सरकार की जो विफलता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। और यही वजह है कि छात्र भी नाराज हैं, आम लोग भी नाराज हैं। कल जब हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे, तो उसमें हर उम्र वर्ग के लोग मौजूद थे जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। और आज हालांकि ठीक है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी तरफ से बंद बुलाया गया था, बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग कर दी जाती है, क्या हो रहा है बंगाल में ये जानना समझना बड़ी बात है। और वही बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी एन अर्जुन जुड़ गए हैं। अर्जुन, सबसे पहले आज का जो बंद था, बीजेपी की तरफ से जो आह्वान किया गया था, ठीक है राजनीतिक पार्टी है, उसका भी अपना एक कोशिश हो रही है तमाम तरीके से, और कहीं ना कहीं राजनीति तो सब करते हैं, मैं उसमें जा नहीं रहा, लेकिन जो हमने आज की तस्वीरें देखी, नेता की गाड़ी पर गोली चल जाती है घेर कर, बम चलाने के दावे होते हैं अलग अलग जगहों पर, जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हमने देखी, क्या किसी भी तरीके से इस बंद को खत्म करवा देना है या कहीं से भी विरोध होना नहीं चाहिए? सरकार का वही कोशिश चल रही है, क्योंकि कल जब छात्र निकले थे सड़क पर, कहीं वाटर कैनन चल रहा है, कहीं रोक दिया गया, वो तस्वीरें तो आपने खुद दर्शकों को दिखाई थी। जी आदर्श जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही बीजेपी ने कल इस धरने की घोषणा की थी, तो ममता बनर्जी सरकार के मंत्री से लेकर के बाकी सारे लोग ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और बताने लगे कि ये बंद जो है बिल्कुल असंवैधानिक है, इसके ऊपर जो है किसी तरह लोग जो है ना आए, इस बंद का विरोध हो, ये भी इससे किसी भी तरह से सफल नहीं होने दिया जाएगा। और जो है ममता सरकार की तरफ से ये भी जो है निर्देश दिए गए, जैसे परिवहन विभाग है उसको कहा गया कि आप जो है परिवहन जो विभाग है वो अपने जो है वाहनों को जो है वो संचालित रूप से जो है अच्छी तरह से चलाए। बाकी लोगों को जो है आह्वान किया गया कि आप लोग इससे सफल ना होने दें। उसके साथ ही उन्होंने ये एक बात खास तौर से कही कि जैसे पूजा अब जो है यहाँ बंगाल में आने वाली दुर्गा पूजा, उसकी जो खरीदारी होनी है उसके लिए जो मार्केट खुले हैं वो खुले रखे जाएं, लोग जो है खरीदारी के लिए आएं। और उसके साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि देर रात जो है एक पिटीशन जो है वो दायर होती है इस बंद के खिलाफ, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हाई कोर्ट ने आज सुबह सुनते ही उसको जो है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया, और जो है ये मुख्य न्यायाधीश की अदालत में था और अदालत ने बताया कि इसमें बहुत सारे तथ्यों में गलती थी, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बंद है इसे पूरी तरह से विफल करने की कोशिश की गई है। और उसके साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पीड़िता के माता पिता है, आज सीबीआई एक बार फिर उनके घर गई थी और उन्होंने बाद में ये बात कही कि हम लोग जो है किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हम किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये जारी रहे और किसी तरह की हिंसा न हो, ये भी हम चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज तृणमूल छात्र परिषद की जो आज कलकत्ता में रैली थी, आप उसमें बहुत से छात्र संगठन के लोग पहुंचे थे, वहां से उन्होंने जो बात कही इस आंदोलन को लेकर के, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जूनियर डॉक्टरों ने उसको एक धमकी की तरह लिया और उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होगी। मुझे एक बात बताइए, बार बार ये कोशिश हो रही है ममता बनर्जी की तरफ से बताने की कि ये जो पूरी प्रक्रिया इंसाफ मांगने की हो रही है ना, उसका राजनीतिकरण हो गया है। हालांकि मैं बीजेपी को इसमें भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता हूं, वो भी राजनीतिक पार्टी है, जाहिर से बात है एक मुद्दे के तौर पर वो भी देख रही है, तमाम चीज़ें हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती किसी भी राज्य में होती सब यही करते हैं, सबका चरित्र हम जानते हैं। लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये कह देना कि केवल राजनीति के लिए हो रहा है, ये कहां तक ठीक है? नहीं देखिए, राजनीति के लिए अगर वो कह रही हैं, वो अब एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कहीं से बंगाल सरकार को कहीं से भी इस मामले में राहत नहीं मिल रही है, सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को?
जब से ये घटना हुई है तब से सरकार लगातार बैकफुट पर है और उसके ऊपर जिस तरह की राजनीति, देखिए किसी भी घटना की राजनीतिकरण तो होगी होगी, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात कहेगी, वो सड़कों पर भी उतरेंगे, वो विरोध भी करेंगे, वो उनका काम है। और इस मामले में पूरी तरह से जो है बंगाल सरकार, तृणमूल की सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए जो है वो बार बार इस तरह, आज उसीलिए उन्होंने यहाँ से ये बड़ी घोषणा की कि हम जो है जल्दी ही असेंबली बुलाएंगे और वहां पर जो है ऐसा विधायक पास करेंगे जो कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो दोषियों को जो है वो फांसी की सजा, इस तरह के कानून, कड़े प्रावधान लाने की बात कह रही है। ये कहकर के केवल बचने की एक कोशिश हो रही है। साथ में अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि अगर इसके ऊपर कानून नहीं बनते तो दिल्ली में जो है बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये भी तो वो भी तो क्या कर रहे हैं, वो भी बार बार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन करने से क्या होगा, घटना जबकि बंगाल में हुई है, बंगाल के सरजमी में हुई है, अगर घटना किसी परिवार के घर में हुई है तो क्या कहेगा कि मैं पड़ोसी में जाकर के इसका मामला जो है वो धरना प्रदर्शन करूंगा या पड़ोसी को जाके पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो निश्चित रूप से राजनीतिकरण होना होगा ही इस मामले में, क्योंकि विपक्ष है, पार्टियां हैं तो अपनी बात कहेंगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सड़क पर उतर रही है तो उसे बंगाल सरकार को लग रहा है कि ये राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन आप देखिए बंगाल सरकार क्या कर रही है, वो भी तो राजनीतिकरण ही कर रही है, राजनीति ही तो कर रही है इसके ऊपर बार बार जो है मंचों से। आज लोग ज्यादातर आज इस तरह के जो है लोगों ने ये बात कही कि आज उनको छात्र परिषद की जो ये रैली थी उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो है इतने बड़े राज्य में घटना घटी है, इस तरह से जो है एक मंच में जो है उनको नहीं आना चाहिए था, ये तक बातें लोग कह रहे हैं। ठीक है, मुझे लेकिन एक बात बताइए, अभी तक इस पूरे मामले में आप वो सीबीआई को लेकर के भी सवाल पूछ रही हैं, सीबीआई को जांच मिली है तो सीबीआई को जांच करने में थोड़ा वक्त तो देना होगा आपको, क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें तो बहुत सारे सवाल उठा दिए थे क्राइम सीन को लेकर, पूरी जो पुलिस ने वहां पर जो पूरा एक तरीके से उसको वॉशडअप किया था पूरे इन्वेस्टिगेशन को, उसको लेकर सवाल उठा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पर बहुत सारी टिप्पणियां कर दी थी जिस पर खुद सरकार को शर्मसार होना चाहिए। आप अब सीबीआई को तो वक्त देंगे ना कड़ी जोड़ने के लिए। देखिए आज मैंने आपको बताया कि आज जो है सीबीआई पीड़िता के घर गई थी, कुछ जानकारियां एकत्रित की, उनके माता पिता ने कहा कि जो जानकारियां हमें उनको दी वो तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है और हमें सीबीआई के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी न किसी एजेंसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। और साथ में एक बात और है आदर्श जी, की सीबीआई के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाए और 2 मिनट में जो है वो सारे सारे के सारे जो है सबूत इकट्ठा कर ले, क्योंकि आप इस चीज को मानकर चलेंगे कि जिस दिन ये घटना घटी और जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह के 43 मिनट की एक वीडियो बाहर वायरल हुई बंगाल के अंदर और बाहर लोगों ने देखा कि क्राइम सीन के ऊपर किस तरह से डॉक्टर संदीप घोष के जो जानकार थे वो जो है वहां पर थे, जबकि पीड़िता के माता पिता अपनी बेटी को मिलने के लिए कम से कम उनके लाश देखने के लिए उनको कम से कम 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आरोप ये लग रहे हैं सरकार के ऊपर और संदीप घोष के ऊपर कि संदीप घोष ने सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक किन किन अधिकारियों को, किन किन लोगों को फोन किया, सीबीआई ये भी जांच कर रही है। सीबीआई के पास आप देखिए कि मामला तब गया 14 तारीख को जो है वो अस्पताल के ऊपर हमला हो जाता है रात को, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे जो कंट्रोल रूम है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। इस तरह की जो घटनाएं हुई है, जो एविडेंस, जो आरोप लग रहे हैं कि एविडेंस जो है वो मिटा दिए गए, आपने देखा होगा कि बाद में जो है वो उस कमरे के साथ वाले जो दीवार है उसको रेनोवेशन के नाम पे तोड़ दिया गया, तो बहुत कुछ सीबीआई को अभी साबित करने के लिए टाइम चाहिए होगा, बार बार जो है बयान बदल रहे हैं, समय चाहिए होगा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए भी है मेरा, क्योंकि देखिए तमाम जिस तरीके से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता सड़कों पर वहां पर उतर रहे हैं, उनको भी तो सीबीआई को वक्त देना चाहिए ना जांच पूरी करने के लिए या किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए, वो इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या केवल एक पॉलिटिकल मौके के तौर पर देखा जा रहा है इस पूरी परिस्थिति को। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी वो तो यही चाहेगी कि उनको इससे जो है वो ऑक्सीजन मिले। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी इस समय जो है राज्य में उसकी स्थिति ऐसी है कि वो बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, पीछे हुई है, मतलब उसका जनाधार लगातार जो है खिसकता नजर आ रहा है। भाजपा जो है बंगाल के अंदर संगठित नहीं है, यहाँ के नेताओं के ऊपर खुद पार्टी के लोग कहते हैं कि जो नेता है वो उनके रास्ते अलग अलग है। बीजेपी इस घटना से ऑक्सीजन की तलाश कर रही है और उनको एक बड़ा मुद्दा मिला है, तो वो बड़े मुद्दे को छोड़ने की फिराक में नहीं है, इसीलिए वो लगातार इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो राजनीतिक जो है उसका फायदा उनको मिल सके।
तो देखिए ये अहम बात अर्जुन हम तक पहुंचा रहे हैं अर्जुन, लेकिन एक बात और, अब जिस तरीके से ममता बनर्जी, जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे जिसमें ममता बनर्जी पहुंची थी आज, और वहां पर जब वो मंच से बोल रही थी, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार है बंगाल में आग लगने का, और अगर बंगाल में आग लगती है तो दिल्ली भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा, तमाम अलग अलग राज्यों के नाम गिना दिए। अब ये राजनीति क्या है, मतलब ये धमकी वाली राजनीति? ये आदर्श जी जिसको हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वो है। आप जो है अपने राज्य की स्थिति संभाल नहीं पा रहे, आप जो है प्रधानमंत्री के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, और साथ में आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप साथ में दूसरे राज्यों को इंगित करके असम जलेगा, मणिपुर जलेगा, उड़ीसा जलेगा, दिल्ली जलेगा, आप क्या कहना चाहती है? उससे पहले आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश जो है हमें उससे प्यार है, हम एक भाषा बोलते हैं। अब ये क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है आप आखिर बंगाल में भारत में रह के? भले उन्होंने बाद में इस बात को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री को आरोप लगा रही हैं कि आप वहां से आग लगा रही हैं। आप अपने राज्य में कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही, आप अपने राज्य की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, अपने पुलिस को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, अपने जो है जिम्मेदारियों को आप निभा नहीं पा रही, आप प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रही। और असम, इस पर जो है असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, और उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से जो है ममता बनर्जी पर पलटवार किया असम के सीएम ने। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि असम के ऊपर बात कहने के लिए, आप अपने राज्य को देखिए, आप हमारे राज्य की तरफ नहीं देखिए। असम के दूसरे मंत्रियों ने भी जो है लगातार जो इसके ऊपर ट्वीट हुआ है, और असम के मुख्यमंत्री खासतौर से हेमंत बिस्वा सरमा ने इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहा है कि आपके आप कि हिम्मत कैसे हुई कि असम के बारे में ये बात कहने की। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये राजनीति और बढ़ेगी, और इस पर जो है और ज्यादा जो है बातचीत होगी, और आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगेंगे, और मुझे लगता है कि इस पर बंगाल की मुख्यमंत्री एक बार फिर घिरेंगी, क्योंकि वो अपने राज्य की कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है, वो दूसरे राज्यों का नाम लेकर के जो है वो अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जाहिर से बात है, और उस पर राजनीति भी और तेज होगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला कर रही हैं, बीजेपी भी उसी तरीके से पलटवार करेगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यही है कि कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले, जिसकी मांग हर कोई कर रहा है। सबकी नजरों में यह बना हुआ है कि जांच आखिर कैसे चल रही है, कहां चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो राजनीति हो रही है वो अर्जुन आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, amarujala.com पर हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अर्जुन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।